हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षल गुप्ता एंड माय नीट 2020 स्कोर इज 642 विद ऑल इंडिया रैंक 5459। एक्चुअली आई एम अ 2 ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट। मैंने अपना क्लास 12th 2018 में पूरा किया है। ओके, तो लास्ट ईयर मैंने नीट दिया था, उसमें मेरे 560 स्कोर था। 15 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन। ओके, सिर्फ 3 क्वेश्चन से रह गया था मैं। तो मैंने सोचा चलो एक साल और देंगे, कि ड्रॉपर्स के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सब नेगेटिविटी आती है कि आपके साथ के बच्चे आगे निकल रहे हैं आपसे। ठीक है, तो मैं सोचा कि चलो कोई नहीं, एक साल और देंगे, जहाँ इतना दिया एक साल और, एक साल और सही। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, फिर आकाश मैंने एनरोल किया 1 ईयर प्रोग्राम में। ठीक है, अब क्या होता है, वहाँ पे बहुत बच्चे होते हैं, तो आपको क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आते। ठीक है, तो ऐसे भी मेरे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मुझे समझ में नहीं आए। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी, मतलब चाहे फिजिक्स की बात करें चाहे किसी और की बात करें, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो लैग कर जाते हैं। तो लॉकडाउन का टाइम मिला हमें, बेनिफिट हुआ, 3-4 महीने का टाइम मिला एक्स्ट्रा। तो उसमें मैंने देखा कि उड़ान अमन भैया का ग्रुप है, मतलब इनकी तरफ से शुरू हुआ है, तो उड़ान देखा मैंने। तो इसमें जब मैंने एक दो लेक्चर देखे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे इसके, तो मैंने एनरोल किया इसमें। और रियली में जो मेरे पॉइंट्स लैक कर रहे थे क्लासरूम में, वो मेरे यहाँ कंप्लीट हुए कुछ। ओके, तो फैकल्टी में नो डाउट उड़ान सब अच्छा है। ठीक है, और अफोर्डेबल भी है, काफ़ी कम प्राइस में है। ओके, और चाहे हम बात करें फिजिक्स की फैकल्टी की, पीयू सर हैं, ठीक है, रजत सर हैं, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पढ़ाया कि कुछ बहुत, मतलब ट्रिक्स वगैरह होती हैं कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन दोनों का ही रहा है, चाहे वो मेरे क्लासरूम आकाश की वजह से हो, वहाँ पे जो टीचर्स थे उनका हेल्प हो, चाहे फिर वो मेरे उड़ान के टीचर्स हो, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और साथ ही साथ हम अपने स्कूल के टीचर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं भूल सकते, क्योंकि असली बेस हमारा वहीं बनता है। ठीक है, स्कूल में टीचर्स थे मेरे, रितु मैम थी, अनामिका मैम है, तो काफ़ी इन्होंने हेल्प की है। इनके नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका बेस क्लियर होता है। ठीक है, और मतलब जैसा नीट आ रहा है वैसा, तो उसके लिए तो बेस इंपॉर्टेंट बनता ही है। ठीक है, बात करें टीचर्स के बारे में, तो मतलब जैसे मैंने बताया कि उड़ान में हमारे पास पीयू सर थे, रजत सर थे, ठीक है, आकाश में मेरी अच्छी फैकल्टी थी, जैसे निशान सर हो गए, अग्रिम सर हो गए, हर्षा मैम हो गई, सोना मैम, सुजीत सर, काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा था इसमें, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे मोहित था, ऋतिक हैं, इन मतलब ऐसी आपके फ्रेंड्स होने चाहिए क्योंकि जो आपके मतलब हेल्प कर सकें और आप भी उनकी हेल्प करो। ठीक है, क्योंकि एक कहावत होती है दैट यू आर एवरेज ऑफ योर फोर, ठीक, ऑफ योर फोर फ्रेंड्स। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ, तो स्टार्टिंग विथ फिजिक्स, फिजिक्स के लिए तो सिंपली मतलब अपने नोट्स से रेफर करें, जो उड़ान के लेक्चर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, टू द पॉइंट है, क्रिस्प हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स के लिए तो मैं कहूँगा कि लेक्चर्स काफ़ी हैं, और साथ ही साथ आपके जो स्कूल के नोट्स होते हैं वो उतना काफ़ी होता है, हाई फाई बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि भाई इरोडो करो, वो करो, कुछ नहीं करना, इरोडो वगैरह, रेसनिक हैलीडे वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एनसीईआरटी करो और एक रेफरेंस बुक रखो, जैसे एचसीवी के खाली सॉल्ट एग्जाम्पल भी कर लेते हो तो ठीक रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी मैंने 12th का सेकंड पार्ट पढ़ा था। ठीक है, बाकी फिजिक्स की एनसीईआरटी मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, लॉकडाउन में मैंने जरूर 12th का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, बट 12th का सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना भी पढ़ोगे तो ठीक है। केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके क्लासरूम के नोट्स हैं या फिर जो आपको उड़ान से प्रोवाइडेड है नोट्स, काफ़ी अच्छे हैं, टू द पॉइंट है। ठीक है, और आप नीट का पेपर वहीं से आ रहा है सारा। ओके, और अगर बात करें बायो की, तो बायो में तो सब बोलते हैं एनसीईआरटी है, वो ये तो पढ़नी है। पहले लोग कहते थे 320-330 आ जाते हैं आराम से, बट मैं तो कहूँगा जैसा पेपर आ रहा है 350 तक आसानी से आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कुछ भी मतलब कोचिंग के पैकेजेस वगैरह हो गए, उड़ान का लेक्चर हो गए, तो उससे आपको क्या पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता चलेंगी जो आती नहीं है वैसे वैसे पेपर में, बट इम्पॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। ठीक है, और बायो में भी कुछ हाई फाई बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ट्रूमैन वगैरह मतलब पढ़ सकते हो, आपका मन है तो पढ़ लेना, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नीट के लिए, और जैसे इस साल कह रहे थे कि पेपर AMC मर्ज हो रहा है, जिपर भी मर्ज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाई आएगा, तो वैसे भी मैंने तैयारी की थी, थोड़ी हाई ही की थी, बट आया। आपको भी बताया कि हिस्ट्री का सबसे आसान पेपर आ रखा है इस साल। ठीक है, तो ज़्यादा हाई फाई पढ़ने की, इंजीनियरिंग लेवल की कुछ नहीं पढ़नी, सिंपल सा बेसिक क्लियर करके चलो। ठीक है, और बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। ठीक है, साथ में मैंने जेई मेंस के भी किए थे, और मैं रिकमेंड भी करूँगा जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है, कुछ ना कुछ रिपीट होता है जरूर। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट ना हो, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होता है। टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, काफ़ी करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने पूरे साल अच्छी प्रिपरेशन रखी है, टेस्ट सीरीज नहीं करोगे ज्वाइन, सब बेकार है।
टेस्ट सीरीज चाहे आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट की कर सकते हो ज्वाइन, उड़ान की कर सकते हो। उड़ान की टेस्ट सीरीज में एक चीज़ है कि एनसीईआरटी बेस्ड थी, पूरी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होती है, ठीक है। अब वैसे ही पेपर आ रहा है एट लास्ट, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मज़े के साथ पढ़ो, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं है कि 24 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल 10-12 घंटे। तो मैं तो सही बता रहा हूँ, 10-12 घंटे पढ़ता था, ठीक है। कुछ लोग होते हैं 24-24 घंटे पढ़ते हैं, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। आराम से मज़े ले के पढ़ो, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं करना, मतलब आराम से हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ अगले साल का पेपर भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। जब इन्होंने इस साल नहीं दिया तो अगले साल भी मेरे एक्सपेक्टेड है कि ऐसा ही पेपर रहेगा, ठीक है। कट ऑफ बढ़ेगी डेफिनेटली आई, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021 एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा करें, ठीक है, अच्छा स्कोर लें और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लें। थैंक यू।